आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए हमने 300 ग्राम मुरमुरे ले रखे हैं। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। गैस पर रख दिए पैन, पैन गरम हो गया है तो हम इसमें 200 ग्राम गुड़ ले रखे हैं। तो गुड़ को इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, बहुत ज्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। पानी हमें उतना ही ऐड करना है कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। बहुत ज्यादा पानी ऐड कर देंगे तो फिर गुड़ पकाने में, जो इसका पाक पकाने में हमें बहुत ज्यादा समय लग सकते हैं। पाक को हमें इस तरीके से चलाते रहना है जिससे कि पैन के नीचे में तले में पकड़ने ना पाए पाक। तो देखिए इसमें बड़े बड़े बबल्स आ गए हैं, यानी ये पाक बहुत ही अच्छे से रेडी हो गए हैं। लेकिन मैं आप सबको एक इसे पकने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसे प्लेट में थोड़ा सा लीजिए और उसे घुमाइए। देखिए इधर उधर नहीं जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमें पता लग जाते हैं कि पाक एकदम से परफेक्ट बनकर रेडी हो गए हैं। पाक अच्छे तरीके से पक गए हैं तो इसे हम इस तरीके से मुरमुरे में ऐड कर देते हैं। इसे हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है। अब इसे हम कलछी से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कलछी से उतने अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, इसे हमें हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बस इसे गरम गरम हमें फटाफट इसका लड्डू भी तैयार करना होता है। तो देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी हमें इस तरीके से लड्डू को तैयार कर लेना है, क्योंकि इसके पाक ठंडे हो जाएंगे तो फिर मुरमुरे के लड्डू नहीं बन पाते हैं। हमने इसी प्रोसेस से सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो आप सब भी इसी तरीके से सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और इसे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत ही पसंद करेंगे। सच में बहुत ही टेस्टी होता है। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी में। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।